नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है और आज हम इकट्ठा हुए हैं जीएसटी काउंसिल के प्रपोजल्स के डिस्कशन के पार्ट टू के वीडियो में। पार्ट वन में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि क्या रेट ऑफ टैक्स में चेंज आया गुड्स में और लॉ में क्या क्या चेंजेस उन्होंने सजेस्ट किए। आज के इस पार्ट में हम जो सर्विसेज में जो रेट में चेंज है, एग्जेम्पशंस में चेंज है या कोई क्लेरिफिकेशंस हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले छोटा सा जो प्रपोजल है, जो कि एक वेलकम चेंज है, वेलकम प्रपोजल है, उसके बारे में बात करेंगे। 1 जुलाई 2017 से ये एक्ट आया, उससे पहले माइग्रेशन का प्रोसेस चालू हुआ लगभग नवंबर में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। बहुत सारे डीलर्स एक्साइज और सर्विस टैक्स वैट से माइग्रेट हुए, कुछ डीलर्स माइग्रेट नहीं हो पाए, वो बिजनेस कंटिन्यू करते रहे लेकिन जीएसटी पोर्टल पर वो माइग्रेट नहीं हो पाए। पार्ट ए फिल किया, जिस पार्ट ए से उन्होंने लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट किया, लेकिन पार्ट बी फिल नहीं कर पाए। उनके लिए 31 अगस्त तक एक विंडो ओपन की गई है और उसमें ये कहा गया कि आप अपने नोडल ऑफिसर, जुरिस्डिक्शनल नोडल ऑफिसर के पास जाइए, सेंट्रल स्टेट अथॉरिटी में जहां पर भी है, और उसको अपनी पूरी डिटेल्स दीजिए। वो डिटेल्स जीएसटी आईएन भेजी जाएगी। जीएसटीएन जो है, जो नेटवर्क है, वो आपका पोर्टल पे अकाउंट एक्टिव करेगा, आप अपना माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें, आप अपनी रिटर्नें फाइल करें जो अब तक की पेंडिंग है, टैक्स पे करें और जो रिटर्नें जो डिलेड है उनके ऊपर फी दें। उस फी को अभी तो चार्ज किया जाएगा लेकिन जैसे ही आप वो पे करके रिटर्न्स फाइल कर देंगे उस फी को रिवर्स कर दिया जाएगा और वो रिवर्सल आपके कैश लेजर में टैक्स के अकाउंट में नजर आना शुरू होगा। ये टैक्स के अकाउंट में नजर आना भी एक वेलकम स्टेप है, एक अच्छी बात है, जिससे कि आप उस टैक्स को फ्यूचर में किसी भी आउटपुट टैक्स से एडजस्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा चेंज जो मुझे लगा अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। उसके बाद ये 31 अगस्त तक है लेकिन दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे अब सर्विसेज की। सर्विसेज में 27 चेंज एक्सप्लेनेशंस, रेट ऑफ चेंज 27 आइटम्स हैं जो उन्होंने सजेस्ट किए अपनी प्रेस रिलीज में। पहला एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर उन्होंने कहा कि जो भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक है अदर देन हॉर्सेस, उस सर्विसेज को एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। वेयर हाउसिंग पर एक चेंज आया, उन्होंने कहा कि जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग एग्जम्प्ट है, सिमिलरली माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, जैसे कि टैमरिंड, करी लीफ, तेंदू लीफ, बैम्बू, ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, अगर इनको भी स्टोर करना है, वेयर हाउसिंग करनी है, उन सर्विसेज को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया। ये सारे प्रपोजल्स हैं दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं, जिस दिन नोटिफाई होंगे उस दिन से एप्लीकेबल होगा। प्रेस रिलीज में लिखा है कि ये नोटिफिकेशन 27 जुलाई तक आ सकती हैं, आज 27 जुलाई तक देखते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर दो बातें कही गई, उन्होंने कहा कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो अपना इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग एक्सटेंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, कहां तक, जहां तक एक एग्रीकल्चरिस्ट के लिए ट्यूबवेल लगा हुआ है और आपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन को ट्यूबवेल तक एक्सटेंड किया है और वो सर्विस एग्रीकल्चरिस्ट को दी और उसके लिए कुछ उन्होंने पैसे चार्ज किए हैं, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज होंगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर मैं डिस्कॉम्स की बात कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात कर रहा हूं, अगर आपने डिपॉजिट वर्क्स लिया है, एक्सपेंसेस फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक लाइन और प्लांट, वो आपकी टैक्सेबल सर्विस होगी और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। उसके बाद एफएसएसआई जो भी फूड इंडस्ट्रीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को सर्विसेज देता है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ई बुक्स के ऊपर एक फैसिलिटी है, जो भी बुक प्रिंट वर्जन जिसका अवेलेबल है और वो ई बुक में बिक रही है, वो 18 से उसको 5 कर दिया गया है दोस्तों। अगला चेंज पीएफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सजेस्ट किया है, वो पीएफ जो कोल माइन पीएफ ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज देते हैं अपने पीएफ सब्सक्राइबर्स को, उसके ऊपर जो भी वो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लेते हैं उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ओल्ड एज होम रन किए जाते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि 12AA ऑफ सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और वो ओल्ड एज होम्स रन कर रही हैं और प्रति मेंबर पर मंथ 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं लेते हैं फॉर बोर्डिंग, लॉजिंग, मेंटेनेंस, सब चीजें मिलाकर वो एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस बना दी जाएगी। नेशनल पेंशन स्कीम जो भी चार्जेस कलेक्ट करता है, फी कलेक्ट करता है, वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा।
इसी तरह आप अगर कोई सोसाइटी है, कोई भी आप अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, कोई भी आप बॉडी है जो कि किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड है, जैसे कि सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है कोई सोसाइटी, और आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, चैरिटेबल एक्टिविटीज को प्रमोट कर रही है, और अपने किसी भी मेंबर से 1,000 रुपए पर एनम पर मेंबर से ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं लेती है, तो उसकी सारी एक्टिविटीज जो है वो एग्जेम्प्ट कर दी जाएंगी। री इंश्योरेंस सर्विसेज जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के लिए जो री इंश्योरेंस सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट कर दी जाएंगी। अगर जो गवर्नमेंट ERCC को सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी। जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेट गारंटीज देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग्स या PSUs को कॉर्पोरेट गारंटीज देते हैं और उसके लिए कोई कंसिडरेशन चार्ज करते हैं, उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो फॉरेन डिप्लोमैट्स और UN है वो जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हैं, बाहर से सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन अगर एक इंडिया में है और उसी की एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है, इंडिया वाला आउटसाइड इंडिया को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। होटल इंडस्ट्री के लिए गुड न्यूज है, पहले होटल इंडस्ट्री में रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ GST जो है वो डिटरमाइन होता था डिक्लेयर्ड टैरिफ के ऊपर। जो डिक्लेयर्ड टैरिफ है, चार्ज टैरिफ कुड हैव बीन द लोअर देन द डिक्लेयर्ड टैरिफ। डिक्लेयर्ड टैरिफ इज से फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज पर नाइट फॉर रूम, लेकिन डिस्काउंट 60% है और उसका जो चार्ज टैरिफ है दैट इज 4,000 ओनली, लेकिन जीएसटी जो है वो डिक्लेयर टैरिफ क्योंकि 5,000 से अधिक है तो 18% लगेगा उसके ऊपर, जबकि उसका जो ट्रांजेक्शन वैल्यू जो एक्चुअली जो प्राइस चार्ज किया है कस्टमर से वो सिर्फ 4,000 है। तो वो चेंज करना प्रपोज दिया है, उन्होंने कहा कि अब जो टैक्स लगेगा वो ट्रांजेक्शन वैल्यू पे ही लगेगा, ना कि डिक्लेयर टैरिफ पे, उसी से डिटरमाइन करेंगे कि रेट ऑफ टैक्स क्या होगा। उसके बाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन जो है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक से ज्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे एयर से माल मंगाया, फिर उसको रोड से ट्रांसपोर्ट किया, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें उन्होंने कहा कि फॉरवर्ड चार्ज में आप 12% रेट लगाकर सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। फॉरवर्ड चार्ज में 12% रेट लगाएं और सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लें। गवर्नमेंट को जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उनको रैशनलाइज करने की बात की गई है। ये सारे चेंजेस दोस्तों जो नोटिफिकेशन है, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है, उसमें लाए जाएंगे, क्योंकि लॉ में इससे रिलेटेड कोई भी चेंज प्रिस्क्राइब नहीं था। आउटडोर कैटरिंग के लिए उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी है कि आउटडोर कैटरिंग सिर्फ वही होगी जो कि इवेंट बेस्ड है और ओकेजनल इन नेचर है। क्या हो रहा था दोस्तों, जो आउटडोर कैटरर्स हैं वो फूड सप्लाई कर रहे थे कैंटीन्स को और मेस को ऑन रेगुलर बेसिस, तो उसको वो आउटडोर कैटरिंग की कैटेगरी में ले जाना चाहते थे, जबकि वो आउटडोर कैटरिंग नहीं है। आउटडोर कैटरिंग उन्होंने क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा दैट आर इवेंट बेस्ड एंड ओकेजनल इन नेचर। उसके बाद एजुकेशनल बोर्ड जो CBSE और जो स्टेट और इस तरह के जो सेंट्रल एजुकेशनल बोर्ड्स हैं वो स्टूडेंट को सर्विसेज देते हैं फॉर कंडक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, वो एग्जेम्प्ट कर दी गई। उसके बाद IITs के जो डेजिग्नेटेड कोर्सेज हैं उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया और जो नॉन डेजिग्नेटेड कोर्सेज हैं उसको टैक्सेबल कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट ने प्रीमियम पे किया है फॉर इंप्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, उस प्रीमियम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। जो कंपनीज प्रीमियम चार्ज करेंगी उसके ऊपर वो टैक्स नहीं लगाएंगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इंडियन आर्किटेक्ट कंसल्टेशन सर्विसेज हैं जो कि फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स आउटसाइड इंडिया फॉर आइडेंटिफाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी यहां से सर्विसेज लेते थे, उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। उसके बाद एक ऑर्विलो फाउंडेशन है तमिलनाडु में, उसके जो मेंबर्स हैं ऑर्विलियंस हैं उनको जो मेंटेनेंस फी जो फाउंडेशन देती है उस पर भी GST नहीं लगेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 13/2017 जिसकी नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें एक एक्सप्लेनेशन डाली जाएगी रिलेटिंग टू रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो एक्सप्लेनेशन यहाँ प्रेस रिलीज में उसका जिक्र नहीं हुआ दोस्तों, वो चेक किया जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगी तब पता लगेगा कि उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन ऐड की है। उसके बाद जो फ्रेट चार्जेस थे बाय एयर एंड सी वो 30 सितंबर तक, उसकी एग्जम्पशन को 30 सितंबर 2019 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। RCM का स्कोप, RCM जो रिवर्स चार्ज है वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 9(4) के रिवर्स चार्ज के स्कोप को कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है,
वहां पर वो कह रहे हैं कि हम ये प्रपोजल है 9(4) के कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी गुड्स और सर्विसेज खरीदता है तो रिवर्स चार्ज में उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसको रिस्ट्रिक्ट करके कहा जा रहा है कि 9(4) की बात कर रहा हूं, उसको रिस्ट्रिक्ट करके कहा जा रहा है कि सिर्फ स्पेसिफाइड गुड्स और स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन के लिए ही वो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, बाकी सबके लिए वो खत्म हो जाएगा। लेकिन 9(3) जो कि 9 सर्विसेज हैं जहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया, उसमें एक सर्विस और ऐड कर दी जाएगी रिवर्स चार्ज में, उसका स्कोप इनलार्ज कर दिया गया। उसमें उन्होंने कहा कि जो भी इंडिविजुअल डीएसएस हैं जो कि एनबीएफसीज या बैंक्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज का जो टैक्स है वो रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट मतलब बैंक या एनबीएफसी देगा। नॉन कॉर्पोरेट्स जो अदरवाइज कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए वो फॉरवर्ड चार्ज में ही रहेगा। मान लीजिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ डीएसए एंड सप्लाइंग सर्विसेज टू बैंक्स और एनबीएफसी, सेलिंग लोन्स एंड सेलिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ एनबीएफसीज और बैंक्स, उनके केस में वो फॉरवर्ड चार्ज में ही रहेगा। ये 27 चेंजेस दोस्तों सर्विसेज में एग्जेम्पशंस क्लैरिफिकेशंस के आए हैं। ये एप्लीकेबल होंगे जिस डेट से ये नोटिफाई होंगे, जिसका जिक्र प्रेस रिलीज में है 27 जुलाई से। देखना यह है कि वो किस तरह से एग्जम्पशन नोटिफिकेशंस में आते हैं, किस तरह से क्लैरिफिकेशंस आती हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।